व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा, बट हाँ यार मुझे ना अभी तक ये बात नहीं समझ आ रही है कि पुलिस को आखिरकार प्लान के बारे में मालूम कैसे पड़ा। सिर्फ और सिर्फ हम चार लोग जानते थे, तो हो सकता है हम चारों में से किसी एक ने ये बात लीक करी हो, बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अब देखो यार, सीन ऐसा है कि लेस्टर को ना सब पता था अभी क्या होने वाला है, तो उसको करने के लिए ना हमें पहले उसके घर पर जाना है। वो लेस्टर कह रहा है कि आज ही सबसे ज्यादा बढ़िया मौका है। मतलब यार देखो ना, डगन बॉस अभी यहाँ से निकल रहा है दूसरी कंट्री के लिए। अगर वो अपने घर से जा रहा है तो सीधी सी बात है आधे से ज्यादा सिक्योरिटी तो उसके साथ ही जाने वाली है उसकी सिक्योरिटी के लिए, और घर पर उसके कोई भी नहीं होगा। बट हाँ, घर पर उसके डेटा जरूर होगा, बट हाँ थोड़ी बहुत सिक्योरिटी तो होगी। तो लेस्टर कह रहा है बस हमें कुछ नहीं करना, जैसे ही डगन बॉस वहां के लिए निकलेगा हमें उसके घर पर जाकर जितने भी कंप्यूटर वगैरह सर्वर वगैरह सबको डिस्ट्रॉय करना है, और जो उसका मैनेजर है हो सके तो उसे भी पकड़ कर लाना है। और दूसरा काम यह है कि उसके बाद ही उसके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले में बीच रास्ते में डगन बॉस को भी रोकना है, हो सके तो उसे मारना है। बट हाँ, और ये ट्रैवर कहां पर रह गया, इतनी देर लगा दी, शायद से लग रहा है अपना कुछ वेपन्स वगैरह ले रहा होगा, जल्दी करवाई। तो गाइस यार मुझे तो ऐसा लग रहा है इस साल ये नहीं आने वाला, तो चलो फाइनली यहां पर आ गया। मुझे लग रहा था अब ये 2021 में ही आएगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से यहां पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेता हूं डगन बॉस के घर के लिए। अभी फिलहाल यहां पर अगर मैं आपको इसकी स्पीड दिखाऊंगा ना तो आप लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना यार इसको वहां पर ले जाने से पहले ना एक बार ही वॉश करा लिया जाए, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, गंदी भी ठीक ही लग रही है गाड़ी। मतलब ऐसा लग रहा है कि फुल एकदम ऑफ रोडिंग कर आई है। तो चलो अभी यार मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं, अभी फटाफट से वहां पर चलते हैं। और इस टाइम ना गाइस हमें बहुत ज्यादा सोच समझ कर फाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि डगन बॉस के जो गार्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, सबके पास बहुत तगड़े आर्मर है और अपने पास इतने ज्यादा वेपन्स नहीं है जितने उनपे आर्मर है। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मैं अपनी कार को वॉश नहीं करवाऊंगा, बट अभी फिलहाल मेरे को यहाँ पर कार वॉश की एक सेकंड सॉरी मेरे को यहाँ पर शॉप दिख गई है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार वॉश करवा ही लिया जाए। अभी फिलहाल यहाँ पर देखो इसकी मिनी कूपर कितनी बढ़िया लग रही है यार वॉश होने के बाद। फटाफट से अपनी गाड़ी यहाँ पर मैं अंदर लेकर चलता हूँ, मैं भी अपनी वॉश करवा लेता हूँ। काश यार इस टाइप के जो वॉशिंग वाली ये सब होते हैं इनको क्या कहते हैं पता नहीं यार, जो भी हैंडसोन कार वॉशिंग कहते होंगे शायद से, अपने इंडिया में भी होते कितना ज्यादा बढ़िया होता। तो अभी फिलहाल देखो इसके अंदर कितना ज्यादा बढ़िया रहता है, बस हमें अपनी कार के जो विंडोज है उन्हें बंद करना है, वरना आप भीग जाओगे साथ के साथ। अपनी कार को मैं आराम से आगे लेकर जाना है। उसके बाद ये देखो अपने आप यहाँ पर ब्रश से पूरी की पूरी कार के अंदर जो भी मिट्टी वगैरह साफ होगी, मतलब 15 सेकंड के अंदर जो है कार वॉश हो जाती है। अगर किसी को भी अपना ऑफिस ऑफिस जाना हो तो आराम से पहले कार वॉश करवा लो, और फुल एकदम ये देखो यहाँ पर गीली भी होगी और अब सूखेगी भी। अरे क्या ही बढ़िया सिस्टम है यार, काश यार ये जल्दी से जल्दी दिल्ली में आ जाए, बाकी सिटीज़ का मेरे को पता नहीं, बट यार अपने इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, बढ़िया रहेगा। कौन कौन मेरी बात से एग्री है यार कमेंट में बताओ। तो चलो अभी फिलहाल देखो क्या यार, मतलब 15 सेकंड में अपनी गाड़ी फुल एकदम चमकती धमकती बाहर आ चुकी है। बाकी यहाँ ये है कि इसके जो पीछे वाले डेंट है वो नहीं हटेंगे, क्योंकि यार उसके लिए बस बैनी को देनी पड़ेगी, वही रिपेयर करेगा। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा डगन बॉस के घर पर पहुंचने वाला हूँ, बस मुझे आगे वाले कट से लेफ्ट लेना है और उसका जो घर है आ जाएगा। बाकी यार देखो लेस्टर ने मुझे बोला था कि जब तक डगन बॉस अपने घर से चले नहीं जाता तब तक हमें उसके ऊपर अटैक नहीं करना है। मतलब यार देखो जहाँ पर उसे वो स्टैचू बेचने हैं, जहाँ पर वो एग्जीबिशन लगनी है दूसरी कंट्री में, वो वहाँ के लिए निकलेगा। अब पता नहीं कब निकलेगा, अभी सुबह निकलेगा, शाम को निकलेगा, रात को निकलेगा, कुछ नहीं मालूम। बट हाँ जब तक वो निकल नहीं जाता तब तक हम लोग उस पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो निकल जाएगा तो आधे से ज्यादा सिक्योरिटी उसके साथ जाएगी, घर में कम बंदे होंगे और यही सबसे बढ़िया मौका रहेगा। तो चलो यार फाइनली हम लोग डगन बॉस के घर पर पहुंच चुके हैं, बट यार एक सेकंड, यहाँ पर काफी ज्यादा उसके जो गार्ड्स हैं घर के बाहर घूम रहे हैं, तो मेरे को सही नहीं लग रहा है इसके घर के आगे से गाड़ी ले जाना, क्योंकि यार फिर इनको उनको हमारे ऊपर सीधा शक हो सकता है। भी फटाफट से अपनी गाड़ी को किसी दूसरे रास्ते से लेकर चलते हैं, हमें ना मतलब ऐसी जगह पर बैठना है जहां से हम लोग पूरा देख लें कि डगन बॉस घर पर है या फिर नहीं है। और सीधी सी बात है अगर उसकी जो पर्सनल व्हीकल है वो घर पर होगी तो वो वहीं पर है, अगर वही गाड़ी घर पर नहीं है तो सीधी सी बात है वो अपने घर पर नहीं है। और उसकी गाड़ी तो भाई हर कोई अच्छे से पहचानता है, इतनी ज्यादा तगड़ी गाड़ी लेकर घूम रहा है ना, टोयोटा लिमो है उसके पास भाई, बहुत तगड़ी कार है वो, पूरी उसके ऊपर मिनी गन लगी हुई है एक लिमोजिन के ऊपर, तो आप खुद सोच लो। तो चलो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी वहाँ पर मैं लेफ्ट लेता हूँ। ये जो जगह है ना ऊपर जो छोटा सा माउंटेन है वो मेरे को थोड़ा बहुत सही लग रहा है, अगर मैं वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर जाऊँगा ना तो मेरे को ठीक ठाक व्यू मिल जाएगा, तो अभी फिलहाल एकदम आराम आराम से ले जाऊँगा। बाकी ये जगह भी ठीक है मेरे हिसाब से, अभी थोड़ी सी ना गाड़ी एक बार आगे लेकर चलता हूँ तो क्या पता वहाँ से मैं थोड़ा बहुत ठीक व्यू मिले। हाँ गाइस ये जगह ना एकदम परफेक्ट है, थोड़ी सी गाड़ी अपनी और आगे ले जाता हूँ एकदम आराम आराम से, कोई भी डरने की बात नहीं है, यहाँ पर घास फूस है तो सीधी सी बात है वो मेरे को नहीं देख पाएगा। ओके तो गाइस यार यहाँ पर तो काफी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई है इसके घर के बाहर, जिसको मेरे को देख के ही काफी ज्यादा डर लग रहा है। मतलब यार देखो कितनी ज्यादा गाड़ियां हैं, उन सभी गाड़ियों के ऊपर बंदे बैठे हुए हैं, और सीधी सी बात है अगर बंदे बैठे हुए हैं तो वो हमें मारेंगे भी अगर हम पंगे लेंगे। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहीं घास फूस में अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ ताकि कोई भी दूर से
ना देख पाए तो भी ना, फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम लोग यहीं पर वेट करते हैं। पहले एक काम करता हूँ, अपना ना मोबाइल फोन निकालता हूँ और उसके कैमरा को ना खोल के चेक करता हूँ। अपना जो मोबाइल फोन का कैमरा बहुत ज्यादा जूम हो जाता है तो हम लोग अच्छे से देख सकते हैं एकदम जूम करके। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल का जो कैमरा है वो ऑन कर लिया है और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख, और वो देखो यार सामने की तरफ में जो मेन गेट है वहां पर तो एक गाड़ी लगी हुई है और नीचे की तरफ में दो लीमो एक रोल्स रॉयस खड़ी है और उसके जितने भी गार्ड्स है ना गाइस वो रोड पर घूम रहे हैं। बाकी यार यहाँ पर पता नहीं यार क्या सीन चल रहा है, बट जो भी है इस टाइम पर ना इसके घर पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आप लोग को दिख ही रहा होगा, तो अभी फिलहाल जाना बहुत ज्यादा बेकार है। और देखो जो उसकी गाड़ी है ना गाइस वो भी घर के बाहर ही खड़ी हुई है, यानी कि डगन बॉस अभी घर पर ही है। और बाकी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है ना भाई, देख के डर लग रहा है। इधर भी गाड़ी लगा के गेट पूरा बंद कर रखा है और बंदे ही बंदे इधर है। तो जब तक ये जो गाड़ी ऐसे चले नहीं जाती ना, तब तक हम लोग अपना यहीं पर बैठते हैं, आराम से यहीं पर बैठ के अपना वेट करेंगे। जैसे ये जाएगी उसके बाद इसके घर में जाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल डगन बॉस के घर के बाहर बैठे बैठे सुबह से लेकर रात हो चुकी है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर डगन बॉस के जाने के बाद यहाँ पर मैंने 10-15 मिनट वेट कर लिया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, इस गाड़ी में बैठकर निकल लेता हूँ सीधा डगन बॉस के घर पर अटैक करने के लिए। बाकी यार अभी ना मेरे को लेस्टर का कॉल आया था और वो कह रहा है कि जो भी काम है जल्दी से करो, क्योंकि यहाँ पर जितना भी डेटा है वो हमें सारा इरेज कर रहा है। उसके बाद हमें डगन बॉस को भी रोकना है दूसरी कंट्री जाने से पहले, और उसके पास जो स्टैचूज है वो हमें चुराने हैं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी लाइट जला लेते हैं, काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा है, ठीक है। एकदम आराम आराम से अपनी गाड़ी उतारनी है। बाकी यार देखो अगर मैं मेन गेट से अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगा ना तो काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और अगर साइड से ले जाऊंगा ना जो उसका पीछे वाला गेट है तो मेरे हिसाब से वो जगह ठीक रहेगी, वहां से हम लोग इजिली अंदर भी चले जाएंगे। तो चलो यार अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं और यहाँ से मैं अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ लेता हूँ। और हाँ यार इधर ना देखो एक गाड़ी है जो कि डगन बॉस के ना चारों तरफ मतलब कंटिन्यूअसली घूमे जा रही है, पेट्रोलिंग कर रही है कि कोई बंदा यहाँ पर अंदर ना घुस जाए, बट हाँ उससे बच के मेरे को अंदर जाना है। तो फिलहाल ये जगह एकदम परफेक्ट है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर एकदम चुपचाप से खड़ा करके इसे ऑफ कर देता हूँ, और अभी ना फिलहाल मेरे हिसाब से डगन बॉस के घर के अंदर मुझे अकेले जाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यार ये जो काम है ना मुझे एकदम चुपचाप से करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं इसके घर के ऊपर अटैक करूं यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना वो डगन बॉस को इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा दे, अगर उन्हें पहुंचा दी तो सारा काम खराब हो जाएगा। और बाकी तो और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो हर छत के ऊपर हर गेट के बाहर दो दो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। तो चल भाई ट्रैवर तू बाहर ही रुक, वैसे ट्रैवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ट्रैवर को मैंने यहीं पर बैठने के लिए बोल दिया और साथ ही मैंने इसको ये भी कह दिया कि गाड़ी और गन्स दोनों पूरी रेडी रहनी चाहिए। तो चलो यार अभी ना चुपचाप से हम लोग एकदम आगे चलते हैं। अभी फिलहाल मामला एकदम ठीक लग रहा है, मेरे को नहीं लगता कि अभी तक किसी भी बंदे ने मुझे देखा है, बट अगर मैं यहाँ से आगे जाऊंगा तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। मतलब कि यार देखो जितने गेट हैं उतनी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यार देखो अभी ना फिलहाल बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे हिसाब से यार अभी ना मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बंदा ऊपर खड़ा हुआ था ना वो भी फिलहाल उस तरफ में देख रहा है, तो यही एकदम सही टाइम है। फटाफट से गाइस यार यहाँ पर ना चुपचाप से नीचे झुकता हूँ और जल्दी से भाग कर मैं इधर छुप जाता हूँ। चलो भाई अभी फिलहाल मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, बाकी ना अभी जल्दी से हमें इसके घर के अंदर जाना है। अगर मैं उस साइड जाऊंगा ना तो सीधी सी बात है अभी जिंदा नहीं बचूंगा मैं, क्योंकि यार बाहर की तरफ में काफी सारे बंदे हैं और इधर भी कुछ बंदे बैठे हुए हैं और कुछ सिक्योरिटी गार्ड ना इसके घर के अंदर भी राउंड लगा रहे हैं, वो भी इतनी ज्यादा रात को। मतलब यार जो सिक्योरिटी है बहुत ज्यादा है, और एक गार्ड नहीं है दो तीन गार्ड है, दो तो मेरे को नजर आ गए, बट हाँ यार इतना बड़ा घर है तो सीधी सी बात है हर साइड पर गार्ड्स ही गार्ड्स होंगे। और इस उत्तरी की भाई साहब यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, मुझे ना चुपचाप से अंदर जाना पड़ेगा। इधर कुछ बंदे बैठे हैं जो कि अपना सर्दियों में बैठ के हाथ सेक रहे हैं, तो यहाँ पर आकर मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर जो लेडी बैठी है ना इसने मेरे को देख लिया, नहीं इसने मेरे को नहीं देखा, ये उनसे बात कर रही है। अभी चुपचाप से ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ पर ये आपस में लड़ रहे हैं पता नहीं किसी बात को लेकर। ओके तो इतनी रात को बियर वियर पियोगे तो कहाँ ही होश रहेगा। तो चलो अभी फिलहाल जो सामने वाला गार्ड है ना मुझे उससे बचकर थोड़ा बहुत आगे बढ़ना है, वो ना पूरे के पूरे इस घर में राउंड लगा रहा है। अभी फिलहाल वो चलकर इधर की तरफ में आ गया है, फिलहाल ढंग से तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके तो यहाँ पर अभी फिलहाल वो भाग कर इधर आ रहा है, इधर मत आइयो प्लीज, इधर मत आइयो, अगर ये इधर आ गया ना तो गाइस सारा काम खराब हो जाए। ओके 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 अभी फिलहाल ये यहाँ की तरफ में आया तो था और यहाँ के ना गाइस ये घूम गया है, तो बिना चुपचाप हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बार ना चुपचाप से मैं बैठ जाता हूँ, बस अभी फिलहाल मैं थोड़ा बहुत सेफ हूँ। और ये जो गार्ड है गाइस घूम के इधर ही आ रहा है। बाकी तो अभी ना फिलहाल जो उसका घर है सच्ची में इतना ज्यादा बड़ा है और उतने बंदे यहाँ पर ना भर भर के बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर एक बंदा और था, सबसे पहले मैं इसको मारता हूँ। मुझे ना गाइस यार बहुत ज्यादा तमीज में जगह जगह जाकर ना बंदों को मारना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर पीछे भी एक बंदा एरिया सीधा से निकल यहाँ से। अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर जाने से बढ़िया ना सीधा यहाँ से नीचे निकलता हूँ, बाहर अपनी लंबोगनी उरुस खड़ी हुई है और ड्राइवर भी वहीं पर छुप कर बैठा हुआ है। तुम दोनों सीधा गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल, टाइम आ चुका है गाइस यहाँ पर असली तबाही मचाने का। लो तुम्हारी हंसी की तरह से निकलो यहाँ से। फिलहाल एक के तो मैंने मार दी, क्लोज में नहीं चलाऊंगा भाई, अगर यहाँ चला दी तो मेरे को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। बाकी पीछे से भी एक बंदा, ओ भाई भाई नहीं गलती से चल गई, अच्छा थोड़ी बहुत
दूर थी, वरना भाई मेरे को ज्यादा डैमेज हो जाता। क्योंकि एक बंदा ये रहा, तू भी निकल, ये रहा बंदा, तू भी निकल। तो भाई साहब देखो, बिना फिलहाल मैं चाहता नहीं कि इधर कुछ ज्यादा सफाई करूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टिकी बॉम्ब्स डाले थे, दोनों को मैंने ब्लास्ट कर दिया। बट यार ये जो बंदे ना यहाँ पर रुकने का नाम ले ही नहीं रहे हैं, एक के बाद एक यहाँ पर आए जा रहे हैं। फिलहाल इसको मैंने मारा था, ये दोबारा से उठ के मेरे को मार रहा है। और छत पर भी जो बंदे चढ़कर बैठे ना, ये देखो ये बैठा, इसको भी मैंने मारा। भाई जब बिना फिलहाल मेरे को घर के अंदर ना वापस से चले जाना चाहिए, क्योंकि ओ भाई 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 कैसे पैर फिसला था भाई, अभी मैं गिरता बड़ी बुरी तरह। तो फिलहाल मैं भाग कर वापस से घर के अंदर आ चुका हूँ। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल यहाँ पर मैं फुल हौसला रख के इस जगह से बाहर निकल रहा हूँ। बट ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई, इसलिए यहाँ पर इस तरह बजूका एक और यहाँ पर फिलहाल आरपीजी नहीं है, ये बजूका है। तो लोग को ना थोड़ा डर के रहना चाहिए, यहाँ पर एक बंदा बहुत बचा है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। चलो गाइस यार, बिना फिलहाल यहाँ पर काफी सारे बंदों को तो मैंने बजूका से जला के मार दिया है, और बेचारे चिल्ला चिल्ला के तड़प तड़प के मरे हैं। अभी फिलहाल इस बंदे को भी यहाँ पर मैं मारता हूँ। मेरे पास ना अभी ज्यादा एमो नहीं, और इसकी एमो इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलती है। लेस्टर ने स्पेशल कहा था कि बस 10 ही गोलियां तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा आसानी से वो मिलती नहीं है। बाकी ऊपर भी एक बंदा निकल यहाँ से, अभी इसको तो मैंने यहाँ पर गिरा दिया, इसको नीचे फेंकना पड़ेगा। बाकी एक मिनट यार अंदर, ओके तो यहाँ से वो बंदा मार रहा है, देखो कहाँ से छुप के मार रहा है। अभी रुक जाओ यहाँ पर, ये निकलने दो बस इसे, इसकी खोपड़ी तोड़ डालूंगा अगर इस बार निकला तो। आजा बेटा आजा, ग्रेनेड मत डाल दियो भाई, इसकी सिक्योरिटी का कुछ पता नहीं है, बच गया। अब रुक जाओ बेटा, वहीं आके मैं तेरे को मारूंगा, यहाँ पर बड़ी बहुत देर से चौड़ा हो रहा है। ओके एक और बार बच गया, तेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, बट अच्छी है नहीं। फिलहाल एक बंदा हो रहा है, इसको भी मारते हैं। ओ भाई सब, तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो जो बंदे छत पर भी चढ़कर बैठे हुए थे, उन सबको भी मैंने यहाँ पर मार दिया है। बट उजी का ना ज्यादा डैमेज नहीं है, और इन लोग के पास बहुत तगड़ी शील्ड है। बाकी यार काफी सारे बंदे थे, अभी जल्दी से हमें वहां पर भी जाना है जहाँ पर डगन बॉस गया हुआ है। बट अभी एक चीज ये नहीं समझ आ रही कि ना ही मेरे को यहाँ पर ट्रेवर नजर आ रहा है, ना ही यहाँ पर मेरे को ट्रेवर की बॉडी नजर आ रही है। भाई ये क्या सीन है, पूरी की पूरी लंबो अपनी उरुस जो है यहाँ पर ब्लास्ट हो गया है, जो कि लामार की थी। बट अभी फिलहाल एक सेकंड गाइस, अभी मेरे दिमाग में कुछ एक मस्त आइडिया आया है। मतलब ये आइडिया नहीं है, मेरे को थोड़ा सा ना लग रहा है कि हो सकता है ट्रेवर को ना ये लोग उसी जगह पर ले गए हो जहाँ पर माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन की फैमिली को किडनैप करके ले गए थे। तो चलो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ ओनली 900,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे इस वाली वीडियो में इतना ही मिलता है, अगली वीडियो में गुड बाय।